नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख मेले एवं पर्व इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रत्येक वर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। और सबसे अधिक मेले लगते हैं मथुरा में, तो मथुरा में प्रत्येक वर्ष 86 यानी कि 86 जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है, तो आप याद रखोगे मथुरा में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है। उसके बाद में कानपुर में 80 मेलों का आयोजन होता है, हमीरपुर में 7 मेलों का आयोजन होता है, सॉरी यहाँ पे 79 कर लीजिएगा, झांसी में 78 है, आगरा में 72 है, फतेहपुर में 70, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ होता है, तो वो है पीलीभीत। तो दो पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले कहाँ होते हैं, याद रखेंगे मथुरा में, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ होता है, पीलीभीत में। आगे देखते हैं, कुंभ मेला, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो आयोजन है वो कुंभ है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मेला है उसे कुंभ मेला कहा जाता है। और कुंभ मेले का जो आयोजन है वो भारत में 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अब इनमें से जो हरिद्वार है ये आपका उत्तराखंड में है, इलाहाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है और नासिक जो है वो महाराष्ट्र में है। तो हरिद्वार की अगर हम लोग बात करें तो हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हरिद्वार है ये स्थित है कहाँ, ये स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना नदी के किनारे स्थित है। और इलाहाबाद कहाँ स्थित है, इलाहाबाद स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है वो छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन कहाँ स्थित है, उज्जैन स्थित है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में है नासिक, तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और नासिक कहाँ स्थित है, नासिक स्थित है महाराष्ट्र में। तो ये वो 4 स्थान है जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ये सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन है, याद रखेंगे इस चीज को। भारत के कुछ प्रमुख मेले हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पुष्कर मेला है, तो पुष्कर मेले का संबंध जो है वो है राजस्थान से। गणगौर महोत्सव जो है ये कहां पे होता है, तो गणगौर महोत्सव का भी संबंध है राजस्थान से। बिहू, बिहू का संबंध है असम से, ठीक है, बिहू का संबंध कहां से है, असम से। अंबुची जो मेला है इसका संबंध किस राज्य से है, तो अंबुची मेले का संबंध है असम से। सोनपुर पशु मेला जो है ये कहां लगता है, तो सोनपुर पशु मेला बिहार से। दुर्गा पूजा का संबंध है पश्चिम बंगाल से। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा से। और अंबा जी का जो मेला है इसका संबंध है गुजरात से। एक बार फिर से देख लेते हैं, पुष्कर मेला राजस्थान, गणगौर महोत्सव राजस्थान, बिहू असम, अंबुची मेला असम, सोनपुर पशु मेला बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा और अंबाजी मेला गुजरात। इसके बाद में अगला जो पर्व है वो है ओणम, तो ओणम का संबंध है केरल से। इस अवसर पे यहाँ पे नौका दौड़ का भी आयोजन होता है, आपने पढ़ा है पहले भी। पोंगल का संबंध है तमिलनाडु से। गणपति महोत्सव का संबंध है महाराष्ट्र से, बहुत ही प्रसिद्ध है गणपति महोत्सव महाराष्ट्र। गंगा दशहरा का संबंध है पश्चिम बंगाल से। छठ पूजा का संबंध है बिहार से। और बटेश्वर पशु मेला जो है इसका संबंध है आगरा से, ठीक है। ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र, गंगा दशहरा पश्चिम बंगाल, छठ पूजा बिहार और बटेश्वर पशु मेला आगरा। आगे देखते हैं, अब ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत के जो कुछ प्रमुख मेले और पर्व थे उन पर डिस्कस किया, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के जो कुछ प्रमुख मेले हैं उनको देख लेते हैं। तो रामायण मेला का संबंध है अयोध्या से। कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाता है, इलाहाबाद में। जन्माष्टमी मेला कहां लगता है, मथुरा में। विंध्याचल मेले का संबंध है कहां से, मिर्जापुर से। झूला मेला कहां पे लगता है, अयोध्या और मथुरा में। ध्रुपद मेले का संबंध है वृंदावन और वाराणसी से। कैलाश मेले का संबंध है आगरा से। और रामनवमी मेला का आयोजन कहां किया जाता है, अयोध्या में। आइए फिर से देखते हैं एक बार, रामायण मेला अयोध्या, कुंभ मेला इलाहाबाद, जन्माष्टमी मेला मथुरा, विंध्याचल मेला मिर्जापुर, झूला मेला अयोध्या और मथुरा, ध्रुपद मेला वृंदावन और वाराणसी, कैलाश मेला आगरा और रामनवमी मेला अयोध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद में बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगता है। ददरी पशु मेला कहां लगता है, बलिया में। सरधना मेला कहां लगता है, मेरठ में। नौचंदी मेला बहुत ही प्रसिद्ध है, कहां लगता है, मेरठ में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला का आयोजन कहां किया जाता है, हापुड़ में। हरिदास मेला का आयोजन कहां किया जाता है, वृंदावन में। और परिक्रमा मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है नीमसार में। तो बटेश्वर पशु मेला आगरा, ददरी पशु मेला बलिया, सरधना मेला मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ, गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, हरिदास मेला वृंदावन और परिक्रमा मेला नीमसार। तो अब आपके
शहर में कौन सा मेला जो है लगता है, आपके शहर का कौन सा मेला ऐसा है जो प्रसिद्ध है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के ये भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इनपे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रासलीला जो लोक नृत्य है इसका संबंध है कहां से, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। रऊफ जो नृत्य है इसका संबंध कहां से है, जम्मू कश्मीर से। दामली जो नृत्य है इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। झूमर का संबंध है राजस्थान से। तमाशा का संबंध है महाराष्ट्र से। असम का संबंध है महाराष्ट्र से। और कालबेलिया का संबंध है महाराष्ट्र से। फिर से देखते हैं एक बार, रासलीला उत्तर प्रदेश, रऊफ जम्मू कश्मीर, दामली जम्मू कश्मीर, झूमर राजस्थान, तमाशा महाराष्ट्र, बिहू असम और कालबेलिया महाराष्ट्र। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में गिद्दा जो लोक नृत्य है इसका संबंध है कहां से, पंजाब से। लावड़ी का संबंध है महाराष्ट्र से। कोलटम का संबंध है तमिलनाडु से। घंटा मर्दाला का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। गिद्दा पंजाब, लावड़ी महाराष्ट्र, कोलटम तमिलनाडु, घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुछ और भी है इसके अलावा, उनको भी मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लेंगे इनको भी। अगर आपसे पूछा जाए कि कथकली का संबंध कहां से है, तो याद रखेंगे कथकली का संबंध है केरल से। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है इसका संबंध है कहां से, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो ये और इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली केरल। तो मैंने आपको पहले भी बताया कुचिपुड़ी कथकली के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इनको, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।